इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ इज, एम एंड आर। सो उसकी हम पूरा डिटेल जानेंगे, पर साथ में अगर आप चाहते हो कि ग्रामर के आप और भी डिटेल या और भी टॉपिक्स अगर आप जानना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो ग्रामर से रिलेटेड। अब जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इज एम आर। ध्यान दीजिएगा, हम जो ये इज एम आर का यूज़ कब पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं इसका एज अ मेन वर्ब, नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब। हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मेन वर्ब इज एम आर एज, मतलब सॉरी मैं गलत बोल दिया, मतलब कहने मतलब इज एम आर को हम एज अ मेन वर्ब की तरह पढ़ेंगे, न कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हम पढ़ेंगे बाद में जब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तब। अब जो बात करने वाले इज एम आर का वो उसका हम देख लेते हैं डिटेल। तो नॉर्मली तीन सेंटेंसेस या आप बोलेंगे मेजरली दो सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है इज एम आर का। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव। तो असर्टिव में भी दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसमें सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, अगर आपको थोड़ा मैं रिकैप कर दूँ तो बताया तो कॉम्प्लीमेंट एक पूरक होता है, इसे हम बोलते हैं कि सेंटेंस को पूरा करने वाला, कई लोग इसको अदर वर्ड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कई लोग ऐसा पढ़े होंगे मे बी कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर होता है फिर बाद में ऑब्जेक्ट होता है, गलत। अगर इज एम आर एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है और कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अच्छा बताइए मुझे, एक्शन वर्ब और मेन वर्ब या डूइंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है? याद रखिएगा, एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब एक ही होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है सिंपल कि डूइंग या एक्शन वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता होगा फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसका डिटेल आपको बता दूंगा। रही बात कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट जो नॉर्मली होगा उसमें आप देखोगे कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। एस ये चारों में से कोई ना कोई आपको वहाँ पे मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट में। सब्जेक्ट में कोई, आपको पता है सब्जेक्ट में क्या होता है, नॉर्मली वही सब्जेक्ट में रहेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में ये चारों हो सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए लिखा ही इज़ हर ब्रदर, तो ब्रदर क्या है, सिर्फ मैं ब्रदर की बात कर रहा हूँ, ब्रदर क्या है, ब्रदर एक नाउन है। इट इज़ माइन, वह मेरा है या वह मेरी है, ठीक है। तो उसका ये क्या है, माइन क्या है, प्रोनाउन। फिर बात करते हैं हिज देयर, हिज देयर, तो देयर का क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या देखिएगा, अगर ये देयर पहले आता, ही की जगह देयर होता, तो ये जो देयर होता वो एज अ प्रोनाउन मेंशन होता, लेकिन देयर लास्ट में आया है इसलिए उसको हम एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे। फिर बात करेंगे वी आर हैप्पी, हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, तो ये यूज होगा जनरली, सॉरी गलती हो गया, मैं गलत लाइन लिख दिया था, लिखा है वी आर ब्रेव सोल्जर, हम बहुत ब्रेव सोल्जर हैं या हम बहुत बहादुर सोल्जर्स हैं। इसका होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, ब्रेव एडजेक्टिव होता है और नाउन आपको पता है सोल्जर्स क्या है, नाउन। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, ये प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, देयर भी हो सकता है, सॉरी एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। अब चलते थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ एन ईडियट, तो इसका हिंदी क्या होगा, जरा मुझे बताइए तो फटाफट, वो क्या होगा इसका हिंदी, इसका हिंदी होगा वह मूर्ख है। फिर लिखा आई एम स्टूडेंट, इसका होगा मैं एक छात्र हूँ। फिर लिखा दिस दैट इज़ अ गर्ल, वह लड़की है, दैट इज़ अ गर्ल। देखिए पहला वाला एन ईडियट, आर्टिकल अगर यूज़ होता है किसी नाउन से पहले उसको मेंशन नहीं करते हैं कि वो यूज़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब नाउन से पहले अगर आर्टिकल लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रक्चर जब बना रहे हो किसी सेंटेंस का उसमें बताओ कि आर्टिकल यूज़ हुआ है, वो तो बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ होना ही होना है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ एन ईडियट, ईडियट क्या है आपका, ईडियट क्या है बताइए फटाफट, ईडियट क्या है,
नाउन है, स्टूडेंट क्या है नाउन है, गर्ल क्या है नाउन, फिर लिखा दिस इज ओल्ड, वह बूढ़ा है, ठीक है, तो बूढ़ा क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, या और मैं आपको बता दूँ इडियट नाउन, हाँ इडियट नाउन नॉर्मली बोल सकते हो, मैं प्यासा हूँ आई एम थर्स्टी, थर्स्टी क्या है मुझे फटाफट बताइए, थर्स्टी क्या है, मैं ये आपको छोड़ दे रहा हूँ थर्स्टी, अब मुझे बताइए कि थर्स्टी क्या ये नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है या जो आपने पढ़ा एडजेक्टिव प्लस नाउन है, उसका नाम कविता है, हर नेम इज कविता, सिंपल, इसके बाद क्या यूज हुआ है कविता, कविता नाउन है, हमार यह हमारा घर है, दिस इज आर हाउस, इसमें आर हाउस, इसमें आर जो आया है ओ यू आर, ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, न कि एज अ एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, अगर अवर अकेले आता तो वो प्रोनाउन होता, लेकिन अगर आर या अवर इसे हम बोलते हैं, वो अगर किसी नाउन के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करता है, आपको पता होना चाहिए, फिर लिखा है वह मेरा भाई है हिज माई ब्रदर, इसमें माई क्या है एडजेक्टिव की तरफ बिहेव कर रहा है और ब्रदर आपको पता ही है क्या है नाउन है, तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है सिंपल, हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, एक डिफरेंस है, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए इज नॉट को इजेंट बोलते हैं, आर नॉट को आरंट बोलते हैं, और जबकि एम को एमेंट नहीं बोलते हैं, ये रूल है ग्रामर का, एमेंट नहीं बोलते हैं उसको, जब नरनी हमको पता है एम किसके यूज होता है आई के लिए, तो उसको आई एम नॉट बोलते हैं, आई एम आई एम, ये जो ए एम है उसको हम आई के साथ लिख देते हैं जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और नॉट को अलग रखते हैं, ये ग्रामेटिकल रूल है जब इसको खासकर यूज करते हैं, और शॉर्ट फॉर्म नॉर्मली हम ओरली मतलब बोलते वक्त यूज करते हैं, और लॉन्ग फॉर्म नॉर्मली हम रिटन में यूज करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मल होता है, कि अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप लॉन्ग फॉर्म का यूज करिए, फुल फॉर्म का यूज करिए, शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करिए, अगर आप ऑफिस के लिए या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसमें शॉर्ट फॉर्म कृपया करके यूज ना करें, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल आपके सामने है अफर्मेटिव नेगेटिव, दिस इज आर का क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट आर, दे आर द बॉयज, दे आर नॉट द बॉयज, इट इज अ डेड बॉडी, इट इज नॉट अ डेड बॉडी, बस हम क्या कर रहे हैं इसके बाद नॉट लगाते रहे, आर के बाद नॉट लगाते रहे, सी इज अ स्मार्ट गर्ल, सी इज नॉट अ स्मार्ट गर्ल, इसमें स्मार्ट क्या है एडजेक्टिव और गर्ल क्या है नाउन, अभी हमने डिस्कस किया था वही, आई एम योर, देखिए यहाँ एम के आई के साथ एम यू, यहाँ भी एम के साथ सॉरी आई के साथ एम यूज हुआ और नॉट अलग से यूज हुआ, आई एम नॉट योर, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ठीक, तो इज माई ब्रदर, यहाँ देखिए जब मैं अफर्मेटिव का मतलब जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया तो मैंने, तो इसको मैंने किसके साथ रखा ही के साथ रखा, लेकिन जब मैं नेगेटिव बना रहा हूँ ही इजेंट माई ब्रदर, तो मैं हेल्पिंग वर्ब क्या जिसे हम लोग अभी जान रहे हैं एज अ मेन वर्ब उसके साथ यूज कर रहे हैं, ही इजेंट माई ब्रदर, ठीक, करण इज अ स्मार्ट बॉय, करण इज नॉट अ स्मार्ट बॉय, फिर लिखा दे आर द रिच, यहाँ देखिए ध्यान से आर भी किसके साथ यूज हो रहा है दे के साथ, ठीक है सब्जेक्ट के साथ एज अ शॉर्ट फॉर्म, लेकिन जब इसको नॉट के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो नॉट के साथ यूज हो रहा है ना कि द के साथ, दे आरंट इसको बोलते हैं, दे आरंट द रिच, इस तरीके से हम बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस करते हैं, फिर से रिपीट कर मेरे साथ इंटरोगेटिव, ट के बाद कुछ साइलेंस के लिए हम रुकते हैं, ठीक है फिर हम ग पे जाते हैं सॉरी अरा पे जाते हैं, इंटरोगेटिव फिर से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव ये होता है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। अब चलते हैं इसका हम स्ट्रक्चर आपको दिखे गया होगा, आप नोट कर लीजिए आपको फायदा होगा, इज एम आर होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक बात ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक है, बनता भी नहीं है, तो ये दिमाग में रखिए, हम शॉर्ट फॉर्म मैक्सिमम नॉट के साथ या अफर्मेटिव के साथ यूज करते हैं, तो वो भी ओरली, रिटन बहुत कम, फॉर्मली बहुत कम, ठीक, और सब कोई जब क्वेश्चन कोई पूछ रहा हो तो शॉर्ट फॉर्म इज एम आर से तो हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, और अगर आप करते हो तो गलत तरीके से लिया जाएगा अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है अफर्मेटिव इंटरोगेटिव समझाने के लिए मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ही इज द डॉन, वह एक डॉन है, इज ही अ डॉन, इज ही अ डॉन,
एक्सप्रेशन आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। कई लोग कैसे पढ़ेंगे, इज ए डॉन, क्या कितना खराब लग रहा है ना। हमें एक भाव, एक एक्सप्रेशन लाना चाहिए, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर किसके आता है, लैंग्वेज का आता है। सब्जेक्ट का ग्रामर नहीं होता, याद रखिएगा। सब्जेक्ट ग्रामर होता तो मैथ का भी ग्रामर निकलता, ठीक है, साइंस का भी ग्रामर निकलता, और इवन आपका और भी सब्जेक्ट जो होते हैं उसके भी ग्रामर निकलते, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, इसलिए इसका ग्रामर है। तो इसको प्लीज़ थोड़ा लैंग्वेज के रूप में पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे, ही इज अ डॉन, इज ही अ डॉन, क्वेश्चन की तरफ। राहुल इज गिल्टी, राहुल अपराधी है। इज ही राहुल गिल्टी, इज ही, इज राहुल गिल्टी, इस तरीके से। इज राहुल गिल्टी, लगे कि क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। वी आर ह्यूमन, आर वी ह्यूमन, थोड़ा मजाकिया क्वेश्चन है, पर आप पूछ सकते हो। आर वी ह्यूमन, आई एम अ टीचर, एम आई ए टीचर, लग रहा है ना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एम आई टीचर, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या मैं टीचर हूँ। ही इज माई ब्रदर, इज ही माई ब्रदर, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा भाई है, ये बोलते ना, क्या ये मेरा भाई है। नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। काफ़ी दिनों बाद मिलते हो, कोई आपसे बोलता है कि ये तुम्हारा भाई है, तो आप ऐसे बोलते हो ना। वही, दे आर माइंड, आर दे माइंड, वो सब मेरे हैं। अब आश्चर्य से पूछते हो ना, आर दे माइंड, वही। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, इज शी अ ब्यूटिफुल गर्ल, इसमें क्वेश्चन पूछना है, इज शी अ ब्यूटिफुल गर्ल, क्या वो अच्छी खूबसूरत लड़की है। आई एम स्लीप, मैं स्लीप मतलब होता है सूला हुआ या सोया हुआ, मैं सोया हुआ हूँ या मैं नींद में एक तरीके से हूँ। एम आई स्लीप, क्या मैं नींद में हूँ, ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो ये क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो आप इस तरीके से इज मार्क का यूज़ करोगे। इज सिंगुलर के लिए होता है, आर प्लूरल के लिए, आपको पता होगा, और एम यूज होता है नॉर्मली आई के साथ। तो ये सब डिटेल आपको पता है, अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, इसको मैक्सिमाइज करिए, और साथ में साथ याद रखिएगा, जितना आप इसका यूज़ करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। फिर आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।